Assalamualaikum. This is Rabia Rashid, and you are watching RR Lectures. And today the topic is how and why should I do CSS. How से पहले why आएगा? मैंने जरा तरतीब उल्टी कर दी है. मुझे अक्सर बच्चों ने क्वेश्चन किए कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा, हमने स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट कैसे लें. तो सबसे पहले आपका why क्लियर होना चाहिए कि why do you want to do CSS. और ये क्वेश्चन इसलिए भी क्लियर होना जरूरी है, अगर आपका why क्लियर है ना तो आप बड़े जील और जस्ट से पढ़ते हो. और हर बंदा जो है ना वो ये बात याद रखे कि पे पर्क्स और प्रिविलेजेस के लिए नहीं सीएसएस करता. इसमें बहुत सारा एलिमेंट जो है ना वो शौक का भी होता है, जो आपके पेरेंट्स आपको बचपन से, सो इट कुड बी एनीथिंग, राइट. तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ब्रेस योरसेल्फ. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ शुड वी स्टडी. सबसे पहली बात, फाइंड अ सिक्लूडेड स्पेस टू स्टडी विद फोकस. ठीक है, फोकस के बगैर आपकी स्टडी नहीं होती. अगर आपने 16 आवर्स भी दे रहे हो, 14 आवर्स भी दे रहे हो, बट विदाउट फोकस दे रहे हो, यू विल नेवर गेन एनीथिंग. अगर आप फोकस के साथ 4 आवर्स दे रहे हो, 2 आवर्स भी दे रहे हो ना, यू आर गुड टू गो. तो इस तरह की कोई जगह घर में, कोई स्पेस बनाए जहाँ पे आप फोकस से स्टडी कर सकें. अगर कोई ऐसी स्पेस नहीं है और आप जहाँ भी बैठते हो वहाँ पे शोर आता ही आता है, लाइक इन माई केस, तो ऐसा कोई टाइम आप सेट कर लें जिस टाइम घर के सब लोग सो रहे हो. यू कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू कैन वेक अप एट 3 o'clock. तो साथ आपको तहज्जुद का भी सवाब मिल जाएगा. ठीक है, आपके सारे दिन की प्रायोरिटीज क्लियर हो जाएंगी. अल्लाह ताला से आप दुआएं कर सकते हैं. आप नमाज के साथ दुआ करके, कुरान पढ़ के फिर आप अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट करें, तो मेरा ख्याल है कि आपका फोकस जो है ना एक नॉर्मल बंदे से कहीं ज़्यादा हो जाएगा. और उस टाइम लोग सो रहे होते हैं तो बहुत ईजीली आप पढ़ाई कर सकते हैं. फिर है नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. बहुत सारे मैसेजेस इस तरह के हैं कि मैम मेरी ये वीकनेस है, मुझे किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा. और सबसे ज़्यादा जो है ना मैं उन लोगों को एड्रेस करूंगी जो लोग कहते हैं मैम आप अपने नोट्स दे दें. देखिए, मेरे नोट्स आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपके लिए वीकनेस बन जाएंगे. ऐसे ही होता है, जब हम नए नए स्टार्ट किया था तो दूसरों के नोट्स देख के हम एक जो है ना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स में चले जाते थे कि फलाह बंदे ने तो इतनी चीज़ें तैयार कर ली हैं, उसने तो इतना कुछ कर लिया, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ. तो जो बिगिनर्स है ना, जो लोग पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, उनको तो पता होगा नोट्स अपने अपने होते हैं, दूसरों के नोट्स से आपको कोई फायदा नहीं होगा. हाँ, आप टिप्स ले सकते हो कि नोट्स किस तरह बनाने चाहिए, वो भी आपको यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाएगा उस पर तो. लेकिन जो है ना, टिप्स के अलावा किसी के नोट्स से कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करनी. दैट्स योर वीकनेस, या आपको पीछे ले जाएगी चीज या आगे नहीं लेके जाएगी. आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जो आपने पढ़ा है ना उसके पॉइंट्स आप लिखो, वो आपके नोट्स हैं. इसी तरह और भी चीजें आपकी स्ट्रेंथ है. जैसे अगर आपने अपना फोकस वाला टाइम डिसाइड कर लिया, दैट्स योर स्ट्रेंथ. फिर कुछ एरियाज होते हैं, लाइक पार्ट वन में मुझे था कि आई हेट इकोनॉमी, मुझे उसकी कुछ नहीं समझ आती, मैंने इसका कुछ तैयार नहीं करना. और अगर मुझे ऐसे आ गया तो मैंने एक बात पकड़ी हुई थी कि मैंने ऐसे कभी भी इकोनॉमी पे नहीं लिखना. और मैंने क्या किया, उस पर तैयार सारा कुछ किया, पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की. लेकिन एंड पे क्या हुआ कि जब ऐसे आया तो वो आईआर का एक टॉपिक था, तो मुझे काफ़ी सारी उसमें चीज़ें तैयार थी, तो मैंने वो उस वाले टॉपिक पे गई. मैं मतलब वो इकोनॉमी से थोड़ा बहुत तो रिलेटेड है, लेकिन प्योरली वो इकोनॉमी वाली चीज़ नहीं थी. तो इस तरह आपको टॉपिक्स और चीज़ें पता होनी चाहिए. जो आपकी स्ट्रेंथ्स है ना, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो ज़रूर शौक से पढ़ो. ठीक है, लेकिन वीकनेस वाले को भी छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ो. लेकिन नहीं मज़ा आता ना, उस पर सर पे नहीं सवार करो. लाइक मुझे पाक अफेयर्स नहीं अच्छा लगता था, तो मैंने एंड तक उसको डिले करती रही. और लास्ट डेज में आपको पता है कि कितनी टेंशन होती है इंसान को, तो वो लास्ट डेज में मैंने बड़ी टेंशन से उसको जल्दी जल्दी कवर किया, तैयार किया, तो वो चीज़ें माइंड में रह जाती हैं एंड पे. मैं ये नहीं कहती कोई चीज़ आपकी वीक है तो उसको आप एंड पे तैयार करो. मतलब ये है कि जो आपकी वीकनेस है ना, उसको आपने सर पे नहीं सवार करना, उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी. तो इस सिलसिले में आप मीडिएट करो. ठीक है, वो भी अच्छा टाइम वही है सुबह का, जब सब लोग सो रहे हैं. आप उठ के सोचो, अपने नोट्स, अपनी बुक्स, अपनी चीज़ें सामने रखो और सोचो कि कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैंने उनमें अगर मैं एक्सेल कर लूँगा तो मैं अपनी वीकनेस को भी कवर कर लूँगा. फिर है यूज़ योर अनफेयर एडवांटेज. अब ये क्या चीज़ है, अनफेयर एडवांटेज ये होता है कि कुछ लोगों के पास ना एज होती है दूसरों की निस्बत. लाइक समबडी हैज़ गुड एक्सेंट, गुड इंग्लिश, गुड अंडरस्टैंडिंग, तो उसको उस बंदे पे एडवांटेज है जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है. अब यहाँ पे ना मैं आपको कहूंगी कि आप अपना अनफेयर एडवांटेज देखें. कुछ तो होगा ना आपके अंदर, किसी की ग्रामर अच्छी है, किसी की उर्दू की ग्रामर अच्छी है, मतलब उसको बनानी आती है चीजें, तो वो इंग्लिश ग्रामर भी कवर कर लेगा अगर वो उर्दू में अच्छा है. फिर यू आर अ बुकवर्म, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हो. आपको पता है कि मैं तो जी इतनी इतनी नॉवल्स की बात नहीं कर रही, नॉवल्स तो अपना पढ़ा ही लेते हैं. अच्छी किताबों का अगर आपको शौक है, आप अच्छी किताब ही क्या, आप पॉडकास्ट अच्छी सुनते हो ना,
अगर आप अच्छी चीजें सुनने के आदी हो, आपको पसंद है, तो ये आपका एक अनफेयर एडवांटेज है। आपको उस बंदे के ऊपर एज है जो बुक्स नहीं पढ़ता चीजें, उसको नहीं शौक, उसका फोकस नहीं है, उसकी अटेंशन नहीं होती, ना ही वो अच्छी पॉडकास्ट सुनता है, वो ड्रामे देखता है, दूसरी चीजें देखता है, लेकिन पॉडकास्ट वगैरह सुनते हुए उसकी जान जाती है, सीरियस चीजों की तरफ नहीं आता। तो अगर आप ये हो तो आपके पास ये अनफेयर एडवांटेज है। फिर है आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी समझ आ जाती है बातें जल्दी से, तो ये भी आपके पास एक एडवांटेज है। और अगर यू कैन नॉट अफोर्ड अकेडमी, मेरे केस में क्या था कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के अकेडमी फिजिकली नहीं जा सकती थी, तो मैंने ऑनलाइन ज्वाइन कर ली पार्ट वन में। अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करते हो फिर आपको नहीं, आपको लगता है कि नहीं मेरे से अकेडमी के थ्रू भी नहीं हो रहा, तो यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स हैं, जब भी आपको टाइम मिलेगा। अकेडमी में तो आपको एक स्केड्यूल के साथ चलना पड़ता है ना, टाइम सारा देना पड़ता है। इस केस में क्या होगा कि आपने यूट्यूब पे लेक्चर्स जो है कुछ डाउनलोड कर लो, कुछ वैसे देख लो, उसके पॉइंट्स बना लो, जब आपको टाइम मिलेगा उसको कर लो, ठीक है, और बाद में उसको लिखने की कोशिश करो। और लास्टली इसमें सबसे मजे की बात यह कि अगर आप अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते, बल्कि मैं तो कहती हूँ घर बैठ के तैयारी बहुत अच्छी होती है, उसमें आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है, आपको हेल्दी फूड मिलता है, आपको खालस दूध भी, अगर इन केस कि आप रूरल एरियाज में रह रहे हो, आपको खालस दूध मिल जाए, ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है ना। फूड का बड़ा डायरेक्ट रिलेशन है आपके पढ़ाई से। आप उल्टी सीधी चीजें खाते हो, आप रिटेन नहीं कर पाते, आपका फोकस नहीं बनता, आपका माइंड बड़ा बुरी तरह डिस्ट्रैक्टेड होता है, परेशानी भी अलहदा से होती है। तो इस पे फिर कभी हम बात कर सकते हैं, ये बड़ा गहरा चक्कर है खाने पीने का भी हमारी पढ़ाई के साथ, ठीक है। और हमारी जो हैबिट्स है ना, सुबह उठने वाली आदत, इसको अपना लें, और ये घर में रहते हुए आपको बहुत कुछ बहुत ज्यादा अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है उन बच्चों की निस्बत जो बेचारे जाके हॉस्टल्स में रहते हैं। वहाँ पे हॉस्टल्स में शोर होता है, हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता, और अच्छा मिल भी रहा है खाना तो आपको नहीं पता कि अंदर उसमें जो मसाले हैं या जो वो क्या डालडा घी वगैरह वो चीजें, वो आपकी हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदेह है। तो जो है ना, और आप उनकी निस्बत घर में बहुत सुकून और मजे से पढ़ सकते हो, इन केस के आपने जो है ना बाकी सारी चीजों को भी साथ लिया है। फिर है ऑर्गेनाइज और टाइम मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि एन एस्पायरेंट इज नथिंग विदाउट अ टाइम टेबल, अपना एक टाइम टेबल बना लें। ये देखे मैंने भी एक बना के ना, पता नहीं कब का ये ऊपर लगाया हुआ है, तो इसमें मैंने चीजें लिखी हुई थी कि जो मुझे नहीं आती हैं, जो मुझे करनी चाहिए, और उनको जो है ना कि बस एक नजर पड़ती रहे डेली और मैं कुछ ना कुछ उसको कर लूं। तो इस तरह जो है ना एक टाइम टेबल बना लें, अपने उसमें से स्लॉट सेलेक्ट कर लें, जो फेवरेट स्लॉट है टाइम का, उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ लें जो मुश्किल लगता है, जो नहीं समझ आता वो डेली बेसिस पे रख लें। तो इस तरह अपना ऑर्गेनाइज कर लें, टाइम मैनेज कर लें, फालतू टाइम नहीं जाया करना, खास तौर पे टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से आपने दूर हो जाना है। CSS की तैयारी में ये बहुत अहम है, ठीक है, उन लोगों के साथ आपने उठना बैठना खत्म कर देना है। और अगर आपकी किस्मत ऐसी है कि आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, आप जॉब में हैं और वहाँ पे टॉक्सिक लोग हैं, तो बस फिर अल्लाह ताला से ना दुआएं करते रहें और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा और ज्यादा मेडिटेट करें, अपने आप पे फोकस करें, अपनी सोल सर्चिंग करें, और जब भी किसी बात पे दुख हो वो अल्लाह ताला को बताएं, ठीक है। वो चीजें ना आपके आपका जो है ना अच्छी डीड्स का बैंक बैलेंस वो आपका क्रिएट होता रहता है, और वो इन द एंड आपको फायदा देता है, ठीक है। उसके बाद है गैदर योर स्टडी मटीरियल। स्टडी मटीरियल मैंने क्या किया था, जो बुक्स वगैरह है वो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स में जब सुनती थी एस्पायरेंट्स के उन्होंने कैसे किया, तो उसमें से जो अच्छी अच्छी किताबें वो बताते हैं ना, तो वो आप ले लिया करें। अगर आपको लगता है ना कि ये एस्पायरेंट जो है इसने इस किताब से पढ़ के कर लिया है, और ऑफन ये होता है कि एक किताब नहीं होती, दो तीन मुख्तलिफ बुक्स होती हैं, तो आपने सबसे थोड़ा थोड़ा जो है ना, कोई चैप्टर किसी में अच्छा होता है, कोई चीज़ जो है सिलेबस में वो किसी और बुक में अच्छी होती है, तो कम से कम दो बुक्स होनी चाहिए हर चीज़ की। इसके अलावा आर्टिकल्स नेट से बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो वो अपनी चीज़ें ना एक जगह इकट्ठी कर लें। जब आपने इकट्ठी कर ली तो फिर आपके यू आर गुड टू गो, ठीक है। अब ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसको मैं टिल्ट नहीं करूंगी मोबाइल को, वैसे ही आप सुन लें कि बहुत आसान है करना, लेकिन आपका वाई और हाउ क्लियर होना चाहिए। ये बात भूल जाएं कि CSS जो है ना वो पर्क्स और प्रिविलेजेस और ये चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। कोई भी आपको जॉब मिलती है ना, शुरू में आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करनी होती हैं, और उसमें सबसे पहला स्टेप सेक्रीफाइस का ये है कि आपको एक रूटीन बनानी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है, और फिर कहीं जाके ना, और उसमें जो है ना एक बिटर फैक्ट मैं आपको बता दूँ, देखें जॉब्स थोड़ी हैं हमें भी पता है पाकिस्तान में, ठीक है, उसमें अब उन्होंने बहुत सारे लोगों को स्क्रीन आउट करना होता है, कभी कभी आपकी बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी ना आप ऐसे ही फेल कर दिए जाते हो, जैसे कि अब हुआ, ठीक है, एसए का प्रेसी का पेपर हुआ और पाक अफेयर्स का हिट हुआ ना, कितना दुख होता है बच्चों को। लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखें कि जॉब्स उन्होंने बहुत कम लोगों को देनी है, कभी भी अपनी होप्स इतनी हाई ना रखें
कि अगर ये हो गया तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, आप बस अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला जो है ना वो आपको वही कुछ देते हैं जैसा आपको अल्लाह से गुमान है, ठीक है। अपनी नीयत अच्छी रखें, बाज़ूकात अल्लाह ताला जो है ना इंसान को किसी एक जगह से महरूम करते हैं ना तो किसी और जगह से बहुत अच्छा उसको दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना शोर होने लग गए तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखें कि अपना दिल कभी नहीं छोड़ते, और ना वही बात CSS इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ये सिर्फ एक एग्जाम है, सिर्फ एक जॉब है, और अगर इस जॉब में आप अपने ज़मीर को नहीं राज़ी कर सके ना तो आप कभी खुश नहीं रहते। तो इसलिए जो है ना ये बात याद रखें कि हर शख्स जो CSS क्वालिफाई कर लेते हैं ना, पेपर पास करने की एक खुशी होती है, उसके बाद जॉब करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो खुशी कम होने लग जाती है, ये नेचुरल सी बात है। तो सिर्फ उन ये आप देख के ना चीज़ें इंस्टाग्राम वगैरह पे, मैंने तो इसीलिए मैं उसको ऑफन मैंने आप लोगों को बता दिया अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनल में मैसेज कर रहा था, उसके बाद मैंने डाउनलोड की दोबारा, कुछ दिन मैंने यूज़ की, मुझे लगा कि मैं तो पागल हो जाऊंगी, इतनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वो ऐप है, उसमें इतना कुछ आ रहा होता है सामने जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए होती, वो आपको ऐप फोर्स कर रही होती है कि हाँ हाँ ये ले लो, ये पहन के देखो, अगर ड्रेस है तो जूते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो मैंने उसको फिर डिलीट किया, फिर मुझे बच्चों ने कहा कि मैम हमने आपको मैसेज किया आपने देखा नहीं, मैंने फिर वो की, लेकिन वो इंतहाई अजीब सी वो ऐप है। आप सोशल मीडिया की ना चकाचौंध से ज़रा बाहर आके फिर पढ़ाई करें, और उसके बाद ज़रा ना सीरियस होके, ये नहीं कि अपने आप को अभी CSP बनने लग गए, आप सिर्फ आपका भी काम क्या है पेपर आपने देने हैं, और फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद बाकी बातें होती हैं कि ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए एक CSP की, और वो सारी बातें बात की आ जाती है। ये जो है ना बात एक बिटर फैक्ट है, जॉब कुछ लोगों को मिलती है, बाकी लोग बहुत एबल होते हैं लेकिन सारी उम्र वो अपनी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करते रह जाते हैं कि पता नहीं मेरे अंदर क्या कमी थी जो मैंने क्लियर नहीं किया, और बाकी सोसाइटी जो है ना टॉक्सिक लोग वो आपकी कसर पूरी कर देते हैं कह कह के ताने दे के या पीठ पीछे आपके बातें करके। तो आप हमेशा ये बात याद रखें कि आप एक मुकम्मल और एक अच्छे इंसान हैं, चाहे आप CSS दे भी दें चाहे ना भी दें, क्लियर हो भी जाए या ना भी हो, अपने ऊपर ना कभी डाउट नहीं करना। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ना इंटेलिजेंट शख्स वो होता है जो अपनी आखिरत की फिक्र करता है, मेरे नज़दीक क्या, ये तो अल्लाह के रसूल की हदीस है ना, तो इसलिए अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए उसके साथ। हाँ हमें कहा गया है कि अपनी दुनिया जो है ना जो है स्ट्रांग मोमिन अल्लाह ताला को पसंद है, तो जितना अगर हम अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं किसी भी मीन से, अगर वो हलाल तरीके से हो रहा है तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नहीं होता ना तो इसमें अल्लाह ताला से नाराज़ होने की या खुद को डिप्रेशन में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। मायूसी जो है ना शैतान की तरफ से होती है, और शैतान खुश होता है जब कोई जो है ना अल्लाह पे बिलीव करने वाला इंसान वो अपने आप से ही नाराज़ हो जाए और परेशान हो जाए और दुखी हो जाए, नेचुरल फीलिंग्स आती हैं, लेकिन ये याद रखना है कि ये भी एक शैतान की चाल होती है कि आप फिर दुनिया आप और बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इसलिए जो है ना ये याद रखें कि CSS जो है ना सिर्फ 1-2-3 सालों का खेल है, ठीक है। आपने कर लिया ठीक है, इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी नहीं इन्वेस्ट करनी, उन बच्चों की आंखें देखा करें जो बेचारे इतने इतने अटेम्प्ट देने के बाद भी कभी एलोकेशन नहीं हो जाती, पेपर क्लियर हो जाता है, कितनी वो वीरानी सी होती है, तो वो चीज़ ना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आज बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं क्योंकि काफ़ी दिन बाद हो रही है, इसलिए मैंने भी एक ही साथ कसर निकाली, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो आई होप कि इसमें बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब मुझे किसी बच्चे ने ये नहीं कहना कि मैम आप अपने नोट्स की पिक्चर भेज दें, बड़ी डांट पड़ेगी मेरे से, ये आपको फायदा कोई नहीं होने वाला, हर बंदे के नोट्स अपने होते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह जब भी मैं इजी फील करूंगी मेरे आसपास कुछ पड़ा हुआ मैं उसकी पिक्चर देख के मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं कर दूंगी। एक दो मैंने शेयर की उस पर, कुछ बच्चों ने अजीब से मुझे कमेंट भी किए और बाद में कुछ ने डिलीट भी किए हुए थे जो मुझे उनका ख्याल है नहीं नजर आएंगे, लेकिन देखो मेरा अपना स्टाइल है पढ़ने का, आपका अपना है, तो मुझे उससे मैं शेयर करने से मतलब मेरा कौन सी कोई कमी हो जाएगी किसी चीज़ में, ठीक है। लेकिन यह है कि आप जो चीज़ अपनी खुद बनाओगे ना वो आपको पता होगा कि मैंने ये लाइन लिखी थी तो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी, ठीक है। अगर मेरी लिखी हुई लाइन आप लोग देखोगे तो आपको क्या पता कि मैंने उसके पीछे पूरा आर्टिकल कोई पढ़ा था और उसमें से मैंने एक लाइन निकाली थी, लेकिन वो लाइन पढ़ते ही मुझे वो आर्टिकल फिर से याद आ जाता है। तो हर शख्स के साथ ऐसे होता है, इसलिए अपने लिए चीज़ें खुद सर्च करो और उसके नोट्स बनाओ और फिर इंशाल्लाह जो है ना आप पेपर दो, और बाकी अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, ठीक है। इस तरह नहीं आना कि मेरा तो क्लियर नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ था ये वो, इस तरह की बातें ना ये सारे वसवसे होते हैं। अगर ना भी हुआ तो फिर क्या भाई, ब्रेव होके देना है, जो भी काम दुनिया में हम करते हैं ना हम रिस्क लेके करते हैं, तो आपने बस सोच लेना है कि हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो क्या हुआ, आगे बढ़े अल्लाह ताला ने रिस्क, अल्लाह ताला के रिस्क में ना कोई कमी नहीं है, फरावानी बहुत ज्यादा है,
ठीक है, पाकिस्तान 10-20 साल पहले भी ऐसे ही थे, इकोनॉमिक सिचुएशंस पाकिस्तान की कभी नहीं सही होती, मतलब वो हमें आदत है ना, हम कह देते हैं कि पाकिस्तान में तो आजकल हालात ही बहुत बुरे हैं, कभी भी हालात सारी उम्र ही ऐसे रहे हैं, लेकिन जो लोग आगे निकलना चाहते हैं वो निकल जाते हैं। तो इन चक्करों में नहीं पड़ना कि क्या होगा आगे, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, अल्लाह ताला के खजानों में ना कोई कमी नहीं आने वाली है आपको देने से। तो इसलिए बिल्कुल यकीन के साथ जो है ना वो देना है तो दें, नहीं देना तो फिर भी आपको क्लैरिटी अपनी लाइफ की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है ना बस ये है कि अपने ऊपर भी यकीन करें और अपने से ज्यादा अल्लाह ताला पे यकीन रखें, वो बहुत नवाजने वाली जात है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।